दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय Shop 101 पर आपको काफी सारे अलग अलग ब्रांड्स के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिन्हें आप घर बैठे तुरंत बेचना शुरू कर सकते हैं और प्रोडक्ट के मार्जिन के हिसाब से आप पैसे कमा सकते हैं। अपनी पसंद का प्रोडक्ट चुने और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऑर्डर डिलीवर होने पर आप कमाएंगे प्रोडक्ट पर दिया हुआ मार्जिन। Shop 101 हर फ्राइडे आपने जितना भी अर्निंग किया है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। सही प्रोडक्ट चुने, शेयर करें और घर बैठे पैसे कमाए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही Shop 101 डाउनलोड करें और पैसे कमाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आज हम कुछ अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वैसे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मतलबी लोगों की पहचान कैसे करें। वैसे इस वीडियो में डायरेक्ट बात करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और शॉर्ट में वीडियो खत्म करेंगे, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपको सीखना होता है, तो आज मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस और दूसरे लोगों से जो मैंने बात की है उससे जो भी जानकारी मिली है उसे मिलाकर ही ये सारी बातें बताने वाला हूँ। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों को जब आपकी जरूरत होती है तभी वो आपके साथ होते हैं और जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है फिर वो इंसान आपको एक दफा पूछता तक नहीं। खैर, ये तो आज के समय में हर किसी की फितरत सी बन चुकी है, अब इसे समय की मांग कहे या फिर कुछ और, मगर ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना होगा। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी आनी चाहिए। तो यहां पर मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूं जिससे आप पहचान सकते हैं कि सामने वाला इंसान मतलबी है या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना काम पढ़ने पर जो भी इंसान हमेशा आपकी तारीफ करें या फिर वाहवाही करता रहे और काम निकल जाने के बाद आपका हाल तक नहीं पूछता, ये उन्हीं लोगों की एक पहचान होती है जो आपको कभी भी साथ नहीं देंगे और ऐसे लोग मतलबी ही होते हैं। और ये भी याद रखो कि मतलबी इंसान अपना काम पढ़ने पर आपकी बहुत ही अच्छी सी तारीफ करेगा, खातिरदारी करेगा और आपको ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजें खिलाता पिलाता है और तब तक आपके आगे पीछे रहता है जब तक उसका काम नहीं हो जाता, और जैसे ही काम बन जाता है उसके बाद तो वो आपके साथ ऐसा ही करते हैं जैसा वो आपको पहचानता ही नहीं। और तीसरी बात याद रखिए कि अगर कोई इंसान आपके दुश्मनों से जाकर आपकी बुराई करता है और फिर आपके पास आकर आपके दुश्मन की बुराई करता है, मतलब कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान आपके सामने किसी और की बुराई करता है, तो एक बात माइंड में फिट कर लीजिए कि वो इंसान दूसरे के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। और इसका सीधा सा मतलब है कि आपके लिए वो इंसान हितकारी नहीं है, मतलब कि आप उसके साथ थोड़ा दूरी बनाए रखिए। और चौथी बात ये याद रखिए कि जिस भी इंसान ने आपके बुरे वक्त में कभी भी आपसे मुलाकात ही ना की हो, कभी बात ही ना की हो और अचानक ही एक मुलाकात के बाद आपका वो बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है जो पहले आपकी तरफ देखता भी नहीं था, तो ऐसे इंसान से भी थोड़ा बहुत सावधान रहिए क्योंकि ऐसे लोग ज्यादातर मतलब के ही यार होते हैं। थोड़ी बातें कड़वी है लेकिन यही सच्चाई है कि हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो ऐसा ही करते हैं, आपके बुरे वक्त में आपका साथ कभी नहीं देंगे और कुछ टाइम के बाद जब भी आपका अच्छा टाइम आएगा वो आपके पीछे पीछे आने लग जाएंगे। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि भाई उसके पास टाइम नहीं था या फिर कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है, तो आप ये भी सोचिए कि पहले भी उसके पास टाइम नहीं था तब वो नहीं आया और आपका अच्छा टाइम जब चलने लगा तब उसके पास अचानक से टाइम आ गया। आगे बढ़ते हैं 5वीं बात, और काफी जरूरी ये बात है कि वो इंसान जिसने आपसे कभी प्यार से बात की ही नहीं हो और अचानक से वो आप पर ढेर सारा प्यार बरसाने लगे, तो इस इशारे को समझ जाइए कि उस इंसान को आपसे कोई ना कोई बहुत ही जरूरी काम है या तो फिर आपसे वो काम निकलवाने वाला है जिस वजह से वो आप पर इतना ज्यादा मेहरबान है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके ऊपर पहले पैसे खर्च कर सकते हैं या तो फिर आपको अच्छी सी चीजें दे सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं जिससे आप उस पर भरोसा करने लग जाओ, तो बेहतर है कि ऐसे इंसानों को अच्छे से पहचान लो और उससे थोड़ा बहुत दूरी बनाए रखो। अगर आपकी जिंदगी में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं या फिर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी ही होगी क्योंकि ऐसे ही लोग आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आज वैसे बहुत ही कॉमन टॉपिक पर बात की। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी और इससे समझकर आप अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव लाओ और ये जो भी लोग होते हैं,
मतलबी लोग, उससे थोड़ा बहुत बच के रहो। और अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप ऐसे लोगों से कैसे डील करते हो जिससे दूसरे लोग भी वो सारी चीज़ें सीख पाए। एंड दिस इज़ नीरज पटेल, स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।